गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 7, पिप एंड द कन्विक्ट. सो इन द लास्ट क्लास वेयर वी हैव लेफ्ट, पिप हैड नेवर बीन सो फ्राइटेंड इन हिज लाइफ. पिप अपनी लाइफ में इतना फ्राइटेंड पहले कभी नहीं हुआ था. विद अ ट्रेम्बलिंग वॉइस ही बेग्ड, और वो अपनी कांपती, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपती हुई आवाज़ में, एज इन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो अपनी कांपती आवाज़ में वो बेग करता है, स्पेयर मी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो. ओके, द मैन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड वेयर ही लिव्ड. वो आदमी क्या करता है, वो जो बहुत ज़्यादा डरावना दिखने वाला आदमी, वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो. एंड टोल्ड हिम दैट, तो वो उससे क्या बोलता है, ही वुड लेट हिम गो ऑन वन कंडीशन. वो बोलता है कि हम तुमको जाने देंगे बट इन वन कंडीशन, एक शर्त पे. पिप वुड हैव टू प्रोमिस टू कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग. पिप को अगले दिन फिर से आना पड़ेगा. यू कैन सी द इमेज ऑफ पिप एंड दैट कन्विक्ट, कि वो उसको किस तरीके से पकड़ा हुआ है. तो वो बोलता है पिप को कि तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम कल फिर से वापस आओगे एट डे ब्रेक. डे ब्रेक मतलब एकदम सुबह सुबह, जब दिन शुरू होता है, मतलब एट द टाइम ऑफ डॉन. ओके, व्हेन द सन राइजेस एट डे ब्रेक टू अ सर्टन स्पॉट. वो एक स्पॉट बताता है इन द मार्शेस. मार्शेस मतलब वो दलदल के आसपास रहता है. विद अ शार्प फाइल, और उसको क्या क्या लेके आना है अपने साथ में, एक शार्प फाइल लेके आना है. फाइल क्या है, अ मेटल टूल विद अ रफ सर्फेस. एक मेटल का टूल होता है जिसका सर्फेस बहुत रफ होता है, जो कि कटिंग स्मूदनिंग में यूज होता है, या फिर शेपिंग अ हार्ड मेटल सर्फेस. कोई हार्ड मेटल सर्फेस को एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए उस फाइल का यूज किया जाता है, वो मेटल का होता है. ठीक है, तो वो शार्प फाइल एंड समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए लेके आना होगा और एक शार्प फाइल लेके आनी होगी. ठीक है, ही वॉन्ट इफ यू टेल एनी वन अबाउट मी और डोंट टर्न अप टुमारो, आई विल कट योर हार्ट आउट एंड ईट इट. वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारा नाम और एड्रेस तो पूछ चुका हूँ, अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया या फिर तुम कल नहीं आए तो हम तुम्हारा हार्ट बाहर, बॉडी से बाहर निकाल के तुम्हारे हार्ट को हम खा लेंगे. ठीक है, ये उस बच्चे को डराने के लिए वो बोलता है. जो सो लेट्स कंटिन्यू. Poor little Pip was terrified. Terrified मतलब बहुत ज़्यादा वो डर गया. His voice shook so much that he could hardly promise. उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कांपने लगी कि वो hardly उसको ये बोल पाए कि ठीक है, I promise I'll come tomorrow. And when the man set him down, he ran home as fast as his legs could carry him. और जैसे ही उस आदमी ने उसको नीचे रखा, वो इतनी जोर से दौड़ा जितनी जोर से वो दौड़ सकता था. ठीक है, The evening was a miserable one. मिजरेबल वन मतलब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुखी था और अब उसके साथ ये सब हो गया, तो मिजरेबल मतलब बहुत बुरी, बहुत खराब, बहुत दुखदायक इवनिंग थी वो. ओके, पिप थॉट ही वुड सेव हिज ओन सपर फॉर द मैन. अब पिप सोचता है कि अब वो शाम हो गई थी, शाम को जो भी सपर था उसके पास, शाम का खाना या रात का खाना, तो वो सोचता है कि हम इसको अपने पास मतलब सेव कर लेते हैं, खुद नहीं खाते. हो सकता है कि कल सिस्टर, उसकी सिस्टर तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट थी तो वो बता नहीं सकता था, तो अगर उसकी सिस्टर की पैंट्री में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला तो हम उसके लिए खाने के लिए क्या ले जाएंगे, तो हम अपना खाना ही उसके लिए सेव करके रख देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिज ब्रेड एंड बटर, ही स्लिप्ड इट डाउन हिज ट्राउजर्स लेग, और वो अपने ट्राउजर के पॉकेट में उसको डाल के रख लेता है, जो उसके हिस्से का ब्रेड और बटर होता है. ओके, बिफोर लॉन्ग अ ग्रेट गन बिगिन टू बूम, और मतलब शाम होते, रात होते होते तक एक बहुत ज़ोर से गन शॉट की आवाज़ आती है, जैसे गन से किसी ने गोली मारी हो. एंड पिप आस्क जो व्हाट इट वाज, और पिप जो से पूछता है कि किस चीज़ की आवाज़ थी इतनी ज़ोर से. द ब्लैकस्मिथ रिप्लाइड, और ब्लैकस्मिथ क्या रिप्लाई करता है, इट इज़ अ सिग्नल दैट कन्विक्ट्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन शिप ऑन द रिवर अक्रॉस द मार्शेस. और बोलते हैं ये इस चीज़ का सिग्नल है कि कुछ ऐसे कन्विक्ट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे क्रिमिनल लोग हैं जो कि जिनको जेल में डाला गया था, वो लोग भाग गए हैं, जेल को तोड़ के या कुछ भी करके वो लोग भाग गए हैं. तो ये उस चीज का सिग्नल है कि कुछ कन्विक्ट्स भागे हुए हैं. सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, उस तरीके का. ठीक है,
तो इट वॉज देन द पिप रियलाइज, अब तब पिप को समझ में आता है कि वो जिस आदमी से मिला था और जिस आदमी को उसने प्रॉमिस किया है टू हेल्प, वो एक क्रिमिनल है, हो सकता है वो एक मर्डरर भी हो. वो अपने सोचने लगता है कि पता नहीं वो कौन है, किस टाइप का इंसान है जिसको मैं हेल्प करने जा रहा हूँ, हु हैड गॉट अवे, और जो कि भाग चुका है और सोल्जर्स मतलब पुलिस वालों से वो छुप रहा है. ओके, सो नेक्स्ट इज ही कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, और वो ये सब सोच सोच के पूरी रात नहीं सो पाया. सर्टेन दैट ही वुड बी किल्ड इफ ही डिड नॉट स्टील द फूड, और वो पक्का ऐसा सोच रहा था कि अगर हम फूड चुरा करके उसके लिए नहीं लेकर गए तो वो मेरी जान ले लेगा. नाउ पिप क्रेप्ट डाउनस्टेयर्स, वो डाउनस्टेयर्स एकदम धीरे दबे पांव डाउनस्टेयर्स जा रहा था कि कोई सुन ना ले उसके बाद, किसी को पता ना चल जाए. डॉन के समय एकदम सुबह सुबह टू टेक सम ब्रेड एंड चीज एंड अ मीट पाई फ्रॉम द पैंट्री, ठीक है, किचन से, पैंट्री मतलब किचन, किचन से वो मीट पाई चीज और ब्रेड उसके लिए ले रहा था. ही देन गॉट अ फाइल फ्रॉम द फॉर्ज, और वो जो की शॉप से उसको फाइल मिल गई क्योंकि वो ब्लैकस्मिथ था, उसका यही सब काम था. एंड रैन थ्रू द फॉगी मॉर्निंग टू द मार्शेस, और फॉगी मॉर्निंग, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फॉग था तो वो उस फॉग वाली मॉर्निंग में भागने लग गया मार्शेस की तरफ, मतलब दलदल की तरफ जहाँ वो प्रॉमिस किया था वो पर्टिकुलर स्पॉट में कि हम मिलेंगे. ही हैड नॉट क्वाइट रीच्ड व्हेन ही केम ऑन अ मैन इन ग्रे सिटिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब वो अभी तक पहुंचा नहीं था उस पॉइंट में, लेकिन उसको वो आदमी एक, मतलब एक आदमी दिखा जिसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे और जो ग्राउंड में बैठा हुआ था विथ एन आयरन फेटर ऑन हिज लेग, और उसके पैर पे भी वो आयरन की चेन बंधी हुई थी. ठीक है, पिप साइड इन रिलीफ, और पिप को लगा कि चलो अब वो मिल गया है वो आदमी जो जिसको मैं ढूंढ रहा था. हियर वॉज अ मैन ही वॉज लुकिंग फॉर, और यही वो आदमी है जिसके लिए मैं देख रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था. ओके, बट एज सून एज ही सॉ द ब्रूज ऑन मैन ऑन द मैन्स चीक, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी का फेस देखता है तो उसके चीक पे ब्लड होता है, ब्रूज मीन्स ब्लड. ही रियलाइज दैट ही वॉज नॉट, तो उसी समय वो समझ जाता है कि ये तो वो आदमी नहीं है जिसको मैंने प्रोमिस किया था. दिस मैन स्प्रैंग टू हिज फीट, और वो जैसे पिप को देखता है वो अपने पैर पे तुरंत से खड़ा हो जाता है और भाग जाता है. पिप वेंट ऑन, और पिप चलता रहता है. एंड एट द राइट स्पॉट ही फाउंड द मैन, और वो उसी स्पॉट पे उस आदमी को देख लेता है. ही वॉज लुकिंग फॉर, ही सीम टू बी स्टार्विंग, मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी. स्टार्विंग मतलब रियली वेरी हंग्री, फॉर ही स्नैच्ड द फूड एंड वुल्फ्ड इट डाउन, और क्योंकि वो जो फूड पिप लेकर गया था उसको स्नैच कर लेता है, छीन लेता है. एंड वुल्फ्ड इट डाउन, वुल्फ्ड मीट एट क्विकली एंड ग्रिडली, और एकदम भूखड़ों की तरह जैसे खाने लग जाता है कि बहुत दिन से जैसे खाना देखा ही नहीं था. ही आस्क्ड पिप इफ ही हैड सीन एनीवन एल्स ऑन हिज वे देयर, और वो पिप से पूछता है कि क्या तुम आते आते रास्ते में किसी और को देखे. तो एंड पिप टोल्ड हिम, पिप उसको क्या बताता है कि ऑफ द अदर मैन इन ग्रे, जो जिस आदमी को देख रहता है जो वो बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने रहता है, हु ऑल्सो वोर एन आयरन ऑन हिज लेग, और जिसके पैर में भी वो आयरन की चेन बनी रहती है. व्हेन पिप स्पोक ऑफ द ब्रूस चीक दिस मैन फ्लू इनटू अ रेज, और जैसे ही वो उसके गाल पे खून के बारे में बात करता रहता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस आदमी को. सीजिंग द फाइल, और वो तुरंत फाइल को सीज कर लेता है, मतलब वो मेटल को. क्यों वो मेटल चाहिए होता है उसको, ताकि वो अपने पैर पे बंधी हुई चेन को उस मेटल से काट सके. तो वो सीज करता है, मतलब उससे छीन लेता है और उसको जोर से पकड़ लेता है. सीजिंग द फाइल ही सेट टू फाइलिंग हिज फेटर फ्यूरियसली, और गुस्से से अपने पैर में बंधी हुई चेन को काटने लग जाता है. पिप कुड सी दैट ही हेटेड द अदर कन्विक्ट, और पिप को समझ में आ गया था कि वो उस अदर कन्विक्ट को हेट करता है. ठीक है, एंड वो सॉरी दैट द अदर कन्विक्ट हैड एस्केप्ड बट ही हैड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और वो सॉरी फील कर रहा था कि वो तो चला गया, एस्केप कर गया, लेकिन वो अपना प्रॉमिस फुलफिल कर चुका था पिप. सो ही टर्नड एंड रैन होम अगेन, और वो घूमता है और वापस अपने घर भाग जाता है. द लास्ट थिंग ही हर्ड, और वो लास्ट वहां से क्या सुन के भागता है, वॉज द रास्प ऑफ द फाइल. रास्प मीन्स अनप्लेजेंट साउंड, जब वो काट रहा होता है तो एक बहुत अजीब सी अनप्लेजेंट सी आवाज़ हो रही होती है जिसको वो लास्ट सुना रहता है. एंड द मैन वर्कड मैडली एट द आयरन, वर्कड मैडली एट द आयरन मतलब वो पागलों की तरह उस आयरन के पीछे पड़ा हुआ था कि हम इसको आज काट कर ही छोड़ेंगे.
सो फॉर टुडे विल कीप इट टिल हियर एंड आई होप अप टू हियर यू हैव क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड मेनी स्टूडेंट्स हैवन सेंड मी गेट द वर्ड मीनिंग्स एंड द मेक सेंटेंसेज ऑफ द वर्ड मीनिंग्स सो सेंड मी प्लीज टुमारो दिस इज योर होमवर्क एंड इफ यू हैव एनी डाउट टिल हियर यू कैन मैसेज और कॉन्टैक्ट मी पर्सनली थैंक यू